स्टूडेंट्स, तो आज हम इंग्लिश रेनबो वर्कबुक क्लास 5 लेसन नंबर 15 हेलेन केलर की एक्सरसाइजेस करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यू हैव ऑलरेडी रेड. आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग. व्हाट हैपेंड टू द बेबी हेलेन वन डे. एक दिन बेबी हेलेन के साथ क्या हुआ. One day the baby Helen fell ill. एक दिन वो बीमार पड़ गई. What was wrong with her? उनके साथ क्या गलत हुआ. She was unable to see and hear. वो सुन नहीं सकती थी और वो देख नहीं सकती थी. How did Helen behave often? वो ज़्यादातर कैसे behave करती थी Helen? Helen often behaved angrily. वो angrily मतलब गुस्से में behave करती थी. Who was Helen's teacher? उनकी teacher कौन थी. Miss Sullivan was Helen's teacher. Miss Sullivan उनकी teacher थी. What was the most important thing according to Helen? सबसे important thing क्या है Helen के according? According to Helen, words were the most important thing. जो words मतलब जो शब्द होते हैं वो सबसे important thing है. अब next exercise, read this lesson carefully and write who said these statements to whom. ये स्टेटमेंट किसने किसको कही. देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू. ये किसने कहा था. हेलेंस के पेरेंट ने एक दूसरे को कहा था. द बेबी मे नॉट लिव. हेलेन की मम्मी ने कहा था उनके पापा से. समथिंग इज वेरी रॉन्ग. हेलेंस पेरेंट सेड टू ईच अदर. ये कहा था हेलेंस के पेरेंट ने एक दूसरे को. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द रेफरेंस टू द स्टोरी. इट वॉज अ समर ऑफ 1880. ये हमने स्टोरी में पढ़ा है कि वो बताया गया है वो 1880 का समर की बात की गई है उसमें. वन डे द बेबी फेल इल. वो हेल्दी नहीं हुई थी, इल हुई थी. द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर. द चाइल्ड वॉज अनएबल टू सी एंड हेयर. हेलेन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड. हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स ने उनके लिए टीचर ढूंढ ली थी एक. वो कौन थी. मिस सुलेवन. शी मेड अ लेटर विद अ स्पेशल हैंड साइन. वो लेटर एक स्पेशल हैंड साइन से बनाती थी. शी बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री. पहली डेफ ब्लाइंड पर्सन थी जिन्हें बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री मिली थी. नेक्स्ट क्लास करते हैं. Add this to the following words to get new words and write them in the given space. One has been done for you. इसके आगे ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके आगे आपको DIS dis लगाना है और वो नए वर्ड्स बनाने हैं. Close का बन जाएगा disclose, agree का disagree, honest का dishonest, advantage का disadvantage, appear का disappear. Next करते हैं. Change the encircled words with their opposites and rewrite the sentences in the given space. ये जो वर्ड्स आपको सर्किल में किए गए हैं इनका अपोजिट करके ये सेंटेंस लिखना है फिर से. आई लाइक ब्राइट कलर्स. इसका उल्टा क्या होगा. ब्राइट का मतलब डल कलर्स. मुझे डल कलर पसंद है. आई लाइक डल कलर्स. ड्रॉ अ स्मॉल सर्किल. छोटा सर्किल ड्रॉ करो. इसका उल्टा होगा बिग सर्किल. स्मॉल का उल्टा क्या होता है. बिग. तो ड्रॉ अ बिग सर्किल. बड़ा सर्किल ड्रॉ करो. प्रीति इज वेरी सैड. प्रीति जो है बहुत उदास है. उदास का अपोजिट क्या होता है. उल्टा क्या होता है. खुश होना. खुश होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं. हैप्पी. प्रीति इज वेरी हैप्पी. हर क्लोथ्स आर ऑलवेज डर्टी. उसके क्लोथ्स हर समय गंदे होते हैं. गंदे का उल्टा साफ. तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं. क्लीन. हर क्लोथ्स आर ऑलवेज क्लीन. द टी इज वेरी कोल्ड. कोल्ड मतलब ठंडा. ठंडे का उल्टा गर्म. गर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं. हॉट. द टी इज वेरी हॉट. नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. Encircle the adjectives and write them in a given space. आपको वर्ड्स को पढ़ के इन एडजेक्टिव्स को सर्किल करना है. जैसे न्यू, हैप्पी, ब्राइट, गुड, नाइस, स्मार्ट, प्रिटी, ग्रेट, सैड, डार्क, स्वीट, अगली, सिली, स्मॉल, सा. इन सबको ये जो स्पेस दी गई है इस पर लिखना है. न्यू का मतलब नया, हैप्पी का मतलब खुश होना, ब्राइट का मतलब चमकदार, गुड का मतलब अच्छा, नाइस का मतलब भी अच्छा, ग्रेट बड़ा, स्मार्ट प्रिटी, सैड मतलब दुखी, डार्क मतलब अंधेरा वाला जगह, स्वीट मतलब मीठा, अगले मतलब अजीब सा, सिली मतलब पागल,
स्मॉल मतलब छोटा, सार मतलब खट्टा. मैच द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन अंडर अ कॉलम ए एंड अ कॉलम बी. एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट अ कंप्लीट सेंटेंस इन द स्पेस गिवन बिलो. वन इज डन फॉर यू. आपको एक सेंटेंस दिया है, उसका एक पार्ट ए कॉलम में है, दूसरा पार्ट बी कॉलम में है. इन दोनों कॉलम को जोड़ना है आपको, जो सेंटेंस का पार्ट लग रहा है आपको. फिर उसके बाद उसके बीच में आपको बट लगाना है. जैसे कि इट वॉज अ टॉल कोकोनट ट्री, देयर वॉज नो कोकोनट्स. इसके साथ हम जोड़ देंगे, ये कोकोनट्स के बाद इसमें भी है, इसमें भी कही गई है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा. आई हैव अ पेन, अब उसमें इंक नहीं है, तो ये इसी की बात है, क्योंकि इंक और पेन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये इसी का सेंटेंस का पार्ट है. तानिया फेल डाउन, गिरने से क्या लगती है, चोट लगती है, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस होगा. शी डिड नॉट गेट हर्ट, ये वाला इसका ये पार्ट जो है ये है. बेबी बॉय वो इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी नॉटी. लड़का जो है, ये लड़की की बात की गई है इसमें, तो इसका मतलब यही वाला होगा. ही किसके लिए, लड़के के लिए होता है, तो ये पार्ट है इसका, तो ये इससे हम ज्वाइन करेंगे. फिर बस की बात की गई है इस वाले में, तो स्टॉप की है ना, बस स्टॉप की बात, तो इसमें भी हम स्टॉप वाली करेंगे. तो अब हम इन्हें सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं. इट वॉज़ अ टॉल कोकोनट ट्री बट देयर वर नो कोकोनट्स, हमने बट लगा दिया इसमें. आई हैव अ पेन बट देयर इज़ नो इंक इन इट. तानिया फेल डाउन बट शी डिड नॉट गेट हर्ट. बेबी बॉय इज़ वेरी स्वीट बट ही इज़ वेरी नॉटी. द बस स्टॉप्स एट द मार्केट बट इट डजंट स्टॉप एट द पार्क. अब इसका हिंदी में मीनिंग जान लेते हैं. वो कोकोनट का ट्री जो है वो लंबा है लेकिन उस पर कोई कोकोनट नहीं है. मेरे पास पेन तो है लेकिन उसमें इंक नहीं है. तानिया गिरी लेकिन उसे चोट नहीं लगी. बेबी बॉय जो है बहुत प्यारा है लेकिन वो बहुत शैतान भी है. द बस जो है वो रुकी मार्केट पे लेकिन वो पार्क पर नहीं रुकी. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. राइट एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो. टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स. ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको आपको सही वर्ड लिखना है और इसमें से आप इस बॉक्स की मदद भी ले सकते हैं. ये हैप्पी फेस है इसलिए हम लिख देंगे हैप्पी. ये इसके आंसू गिर रहे हैं इसलिए ये क्राइंग फेस है. ये सरप्राइज वाला फेस है इसलिए सरप्राइज्ड. फिर ये है शॉक्ड वाला जिसमें डरा हुआ इंसान है, अफ्रेड. फिर ये वरिड है किसी चीज़ के लिए, टेंशन में है. ये स्लीपी, ये सो रहा है. ये गुस्से में है मतलब एंग्री. ये कुछ सोच रहा है, ये थिंकिंग. और ये उदास है, ये सैड वाला हो गया. तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है और वीडियो भी पूरी होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग.